Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics Classes Online. Well students, today I am going to just give a quick revision of some of the concepts of physics quickly. You know students, there is one Atwood machine. Basically I have just concluded one lecture, so it is remaining part, they are not rubbed yet. So this is an Atwood machine. Let me rub it first. This is Atwood machine. Well, student, in Atwood machine there is one pulley. अब आपको लग रहा होगा कि what kind of machine it is. It is a simple machine. Just a pulley, and there are two masses m1 and m2, and I had proved that its acceleration is m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g. So sometimes a question aa jata hai exams mein, using Atwood machine prove that tension is equal to twice of W1, W2 upon W1 plus W2. तो dear students, इसमें क्या है कि जो tension है वो हमने derive की थी T equal to 2 M1 M2 G upon M1 plus M2. तो इस equation को मैं G से multiply and G से divide करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 M1 G M2 G upon M1 G M2 G. तो this becomes M1 G is weight W1 and M2Z is W2, the 2 W1 W2 upon W1 plus W2. So, उसके बाद students, हम लोगों ने इसको मतलब कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने students lift case किया था. तो lift के अंदर I had told you that जब हम lift में ऊपर को जाते हैं, तो लिफ्ट जब ऊपर को जाती है तो रिएक्शंस होता है m इंटू जी प्लस ए, और लिफ्ट जब डाउन आती है तो रिएक्शन होता है m इंटू जी माइनस ए. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन क्या चीज है? मैं यहां से ना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड वेट लेसनेस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि यू आर मूविंग इन ए लिफ्ट. आप लिफ्ट में जा रहे हो और आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो. तो जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो रिएक्शन होगा एम इंटू जी प्लस ए. तो जो वेइंग मशीन है वो एक इंक्रीज्ड रीडिंग बताएगी बाय द वैल्यू ए. अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमने डिराइव किया हुआ है आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए. इट मींस दैट जो लिफ्ट है उस पे उसमें जिसमें आप नीचे आ रहे हो और वेइंग मशीन पे खड़े हो, तो आपका जो रिएक्शन वेट है वो डिक्रीज कर गया. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे बड़ा क्लियर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है. वो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप नीचे आ रहे हो लिफ्ट में विद एन एक्सेलरेशन ए, तो देर इज ए डिक्रीज इन योर वेट, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो देर इज एन इंक्रीज इन योर वेट. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स अगर आप नीचे आ रहे हो विद एन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी, तो आर क्या हो जाएगा? एम इंटू जी माइनस जी, तो आर क्या हो जाएगा? जीरो. तो नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका वो जीरो हो जाएगा. जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो रीडिंग इन द वेट क्या है, वेइंग मशीन पे क्या आएगी? रीडिंग इन द वेइंग मशीन क्या आएगी? दैट इज जीरो. इसका मतलब है आपका कोई वेट नहीं है.
you are in the state of weightlessness. You are in the state of weightlessness. जब आप वेटलेसनेस में आ गए हो तो रीडिंग जीरो है. तो जब आप नीचे आ रहे हो विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपका वेट जीरो है. यू आर इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. इट मीन्स दैट देर इज नो वेट ऑफ यू. इट्स अ फ्री फॉल. आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आप लिफ्ट में हो और आप क्वाइन को टॉस कर रहे हो. तो क्वाइन को जब आप टॉस कर रहे हो तो क्वाइन नीचे आ रहा है. अब आपने टॉस किया तो क्वाइन को टॉस किया, मान लो मेरा हाथ ये क्वाइन है, मैंने टॉस किया तो ये यहां ही रुक गया. मींस मैं क्वाइन को देख रहा हूँ, क्वाइन मेरे को देख रहा है. मैं क्वाइन को देख रहा हूँ, क्वाइन मेरे को देख रहा है. मैं क्वाइन को देख रहा हूँ, क्वाइन मेरे को देख रहा है. तो हम दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं. हम दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, बेसिकली फ्री फॉल. आ तो हम रहे हैं दोनों नीचे, रियलिटी में हम जा रहे हैं जय श्री राम ओम शांति ऊपर. मतलब फ्री फॉलिंग में क्या होता है, फ्री फॉलिंग में हमारा वेटलेसनेस हो जाता है और हमारा वेट जीरो हो जाता है. कोई शक, कोई सवाल? इज इट क्लियर? तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने की और जो हमने स्टडी की. तो इसको आप रिवाइज कर लेना. थैंक यू.